मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं आज राजनांदगांव सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी ने अभी तक हुई धान खरीदी की जानकारी दी, साथ ही कितने धान का परिवहन हुआ है यह भी जानकारी मीडिया को दी। वहीं सहकारी बैंक के कार्यपालन अधिकारी सुधीर सोनी ने बताया कि राजनांदगांव धान खरीदी के लिए जिले में 1,29,209 किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। फरवरी तक 1,22,679 किसानों ने अपनी धान बेच दी है। वर्ष 2023-24 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,29,209 किसानों का पंजीयन धान खरीदी हेतु किया गया था, जिसमें से आज दिनांक तक 1,22,679 किसानों से 69,54,753 कुंटल धान की खरीदी की गई है। उक्त मात्रा में से 54,31,000 कुंटल धान का परिवहन किया जा चुका है तथा 15,22,000 कुंटल का धान का परिवहन अभी भी समितियों से किया जाना शेष है। 440,49,00,000 की राशि का लिंकिंग से वसूली समितियों के माध्यम से की गई।